Hello, dear students. In this video, we will discuss a famous sonnet by William Shakespeare, True Love. This sonnet is also known by the title of sonnet number 116. It was first published in the year 1609. ये जो सोनेट है ये सबसे पहले 1609 में प्रकाशित हुआ था एंड इट फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश सोनेट जैसा कि आप जानते होंगे सोनेट के दो प्रकार होते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ सोनेट्स वन इज़ पेट्रार्कन सोनेट एंड एनदर इज इंग्लिश सोनेट पटार्कन सोनेट को इटेलियन सोनेट भी कहा जाता है जिसमें देर इज़ वन ऑक्टिव ऑफ एट लाइन्स एंड वन सेस्टेड ऑफ सिक्स लाइन्स एंड इंग्लिश सोनेट जो है विच इज़ ऑल्सो नोन एज शेक्सपीरियन सोनेट जो इंग्लिश सोनेट है इसमें देर आर थ्री क्वार्ट्रेन्स एंड वन कपलेट इसमें तीन क्वार्ट्रेन होते हैं क्वारट्रेन मीन्स स्टेंजा ऑफ फोर लाइन्स सो देर आर थ्री क्वार्ट्रेनस ऑफ फोर लाइन्स ईच एंड वन कपलेट ऑफ टू लाइन्स इट मेक्स इट अ पोयम ऑफ फोर्टीन लाइन्स चौदह लाइन की ये एक कविता होती है जिसे इंग्लिश सोनेट कहा जाता है जिस पैटर्न को विलियम शेक्सपियर ने फॉलो किया था और इसलिए ये उन्हीं के नाम पर इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ शेक्सपीरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट हालांकि सोनेट्स इंग्लिश सोनेट वॉज वी कैन से इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इंग्लैंड में जो शुरुआत हुई थी इंग्लिश सोनेट की वो व्याट और सरे नाम के दो पोइट थे व्याट डब्ल्यू वाई ए डबल टी एंड सरे एस यू डबल आर ई वाई उन्होंने की थी और सेम यही थ्री क्वार्ट्रेस एंड वन कपलेट का पैटर्न उन्होंने अडॉप्ट किया था बट इट वॉज शेक्सपियर हु पॉलिश एंड परफेक्टेड दिस सोनेट

चार लाइन का ये एक स्टैंडा होता है तो तीन क्वार्टर मींस मीन्स लाइंस एंड वन कपलेट ऑफ टू लाइंस इट मेक्स इट अ पोएम ऑफ लाइंस अ लाइन्सोनेट ऑफ फोर्टीन लाइंस तो ये इसका पैटर्न है इसका राइम स्कीम आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आपको इसका क्रिटिकल अप्रीशियेशन अगर लिखना होता है तो इट विल हेल्प यू और इट मे बी आस्ट आ, In object as an objective question as well. What is the rhyme scheme? So you may note it down. The rhyme scheme of this um, sonnet is A B A B C D C D E F E F G G. Rhyming scheme is key. Uh, uh, I repeat is A B A B C D C D E F E F G G. And it is written in iambic pentameter.

इन दिस सोनेट इस पोएम में वो बात करते हैं कहते हैं ट्रू लव किस को कहा जा सकता है या ट्रू लव यानी जो सच्चा प्रेम होता है वो कैसा होता है क्योंकि हर प्रेम को सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता तो सच्चे प्रेम की क्या क्वालिटीज़ हैं वो उन्होंने इस कविता में डिस्कस की हैं तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस द फर्स्ट स्टेंजा और वी में किस द फर्स्ट क्वार्ट्रेन फर्स्ट फोर लाइंस ऑफ द पोएम जिसमें वो बात करते हैं कि ट्रू uh, लव क्या होता है सो आई विल स्टार्ट द पोएम द पोएम इज लाइक दिस लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पीडीमेंट्स लव इज़ नॉट लव विच ऑल when it alteration finds or bands with the remover to remove first line mein william shakespeare kehte hain let me not to the marriage of true minds thodi si ambiguity aapko is first line mein lag sakti hai कुछ word meaning अगर आप लिख लेंगे तो it will be easier for you to understand. आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी तो आप मीनिंग्स नोट कर लीजिए लेट मी नाट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड लेट मी नाट इट मीन्स द पोएम इज़ द पोइट इज़ एक्सपेक्टिंग दैट ही शेल नॉट बी लेट मी नॉट ही शेल नॉट यू कैन से एक्नोलेज यहाँ मैरिज से मतलब यूनियन है ट्रू माइंड्स मीन्स ट्रू हार्ट ट्रू लवर्स मैं uh, उन लोगों को हु क्लेम्स टू बी ट्रू लवर्स जो सच्चे प्रेमी होने का दावा करते हैं और जो कहते हैं कि मैं सच हम सच्चा प्रेम करते हैं तो मैं उन लोगों को सच्चा प्रेमी नहीं मानूंगा। हु यू uh, आप कुछ मीनिंग नोट कीजिए लेट मी नॉट का मीनिंग आप लिख दीजिए आई होप दैट आई शेल नॉट आई होप दैट आई शेल नॉट और आगे लिखिए एक्नॉलेज ऑब्जेक्शंस आई मीन आई विल नॉट एक्नॉलेज ऑब्जेक्शंस मैं उन लोगों को जो सच्चा प्रेमी होने का दावा करते हैं वो क्लेम टू बी ट्रू लवर्स तो वो अगर इफ़ दे एडमिट इम्पीडिमेंट्स एडमिट स्वीकार करना अगर वो स्वीकार कर लेते हैं क्या स्वीकार करते हैं इम्पीडिमेंट्स इम्पीडिमेंट्स बाधाएँ अगर वो रास्ते में उनके प्रेम में जो बाधाएँ आ रही यू कैन से हॉर्डल्स इफ़ दे एक्सेप्ट द हॉर्डल्स और दे बोर डाउन बिफोर द डिफ़िकल्टीज इन द वे ऑफ़ ट्रू लव मैं उनको सच्चा प्रेमी नहीं मानूँगा आई विल नॉट एक्नोलज दोज लवर्स एज ट्रू लवर्स हुए एक्नोलज ऑब्जेक्शंस इन दी वे ऑफ़ ट्रू लव इन द वे ऑफ और वी कैन से इन द वे ऑफ द यूनियन ऑफ ट्रू लव तो उनके प्रेम को एक वी कैन से उनकी डेस्टिनी uh, तक डेस्टिनेशन तक पहुँचने में अगर कोई बाधाएं आती हैं और वो उन बाधाओं के सामने झुक जाते हैं तो मैं उन्हें सच्चा प्रेमी नहीं मानूंगा ऐसा विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं आगे देखते हैं लव इज़ नॉट लव ये काफ़ी फेमस कोट है आपको गूगल वगैरह पे भी बहुत मिलता होगा वेर इफ़ यू सर्च फेमस कोट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर और फेमस कोट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर अबाउट लव और कई uh, इनको बाद में uh, कई नावलिस्ट ने Uh, इस कोट को अपने वर्क्स में बहुत फेमस जेन ऑस्टिन है नावलिस्ट और उन्होंने अपने एक नावल में इस कोट को आई थिंक सेंस एंड सेंसिबिलिटी में शी हैज़ यूज दिस कोट एंड इट इज़ अ वेरी फेमस कोट दैट मैं पढ़ती हूँ लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स वैन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स लव इज़ नॉट लव दैट लव इज़ नॉट ट्रू लव वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है दैट लव इज़ नॉट ट्रू लव दैट लव इज़ नॉट परफेक्ट लव कौन सा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है विच ऑल्टर्स ऑल्टर यानी बदल जाना जो कि बदल जाता है यानी जो चेंज हो जाता है अपनी जगह से हट जाता है और कब हटता है वेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स ऑल्ट्रेशन यू कैन से ऑल्ट्रेशन यानी बदलाव जब उसको कुछ बदलाव मिलता है मीन्स यू कैन आप ऐड कर लीजिए तो आपको आसानी होगी वैन इट फाइंड द ओकेजन ऑफ और अपॉर्चुनिटी टू चेंज और अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल्ट्रेशन अगर उसे कोई बदलाव की परिस्थिति मिलती है कोई कारण मिलता है और वो अपने रास्ते से बदल जाता है देन इट इज़ नॉट ट्रू लव अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर आगे भी वो uh, इसी थॉट uh, को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बैंडस विद द रिमूवर टू रिमूव और बैंड्स माने झुक जाना बैंड यानी झुकना यू में अभी जो हमने आगे सेकेंड लाइन में एडमिट इम्पीडीमेंट पढ़ा था उस सेम थाट को फॉलो कर रहे हैं और डेविएट यू कैन राइट डेविएट माने अपने रास्ते से Uh, हट जाना भटक जाना और अगर वो प्रेम ऐसा है विच बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव अगर रिमूवर मीन्स हटाने वाला अगर कोई व्यक्ति उसको हटा रहा है और वो हट जाता है रिमूवर टू रिमूव और वो हट जाता है तो वो सच्चा प्रेम नहीं है अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर तो ये फर्स्ट स्टेंजा uh, uh, है इस पोएम का फर्स्ट क्वार्टरिन वी कैन से uh, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा जो क्वालिटीज़ शेक्सपियर बता रहे हैं ट्रू लव की आई होप आपको समझ आया होगा द नेक्स्ट स्टैंडा वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो थैंक यू